देखिए, ये हमारे मोहल्ले के गणेश जी हैं और दर्शन कीजिए यहाँ से आप इस तरह से रिद्धि सिद्धि मूषक महाराज सब और गणेश जी विराजमान हैं यहाँ पे। काफी खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए लंबोदर महाराज। आरती हो चुका है। आरती खत्म होने के बाद आज यहाँ गरबा कर रहे हैं, डांडिया कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज 11 दिन के बाद हम लोग जा रहे हैं स्कूल। जी हां, 11 दिनों से मम्मी लोगों का छत्तीसगढ़ फेडरेशन की तरफ से हड़ताल चल रहा था अनिश्चितकालीन डीएचआरए को लेके, तो जो खत्म हो चुका है। आज 12 तारीख को ज्वाइनिंग करना है तो जा रहे हैं स्कूल। तो चलिए चलते हैं, बड़े दिनों बाद जा रहा हूँ तो मेरे को भी एक्साइटेड हो रहा है। थोड़ा घर में रह रहे बोर लगने लगा था, अब थोड़ा चलते हैं स्कूल तरफ भी, घूम के आते हैं। मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ, ये देखिए। और आज हम लोग टोटल 11 दिन के बाद आ रहे हैं। 11 दिन हड़ताल पे थे मम्मी लोग अनिश्चितकालीन का, तो नहीं आ रहे थे स्कूल। और स्कूल पे थे सर जो नए भर्ती हुए थे, वो संभाल रहे थे। और इधर हमारे संजय भैया जो सफाई कर्मचारी के रूप में भर्ती हुए हैं, तो वो थे, वो संभाल रहे थे। तो तालाब में किस तरह से पानी भर चुका है। पहले यही तालाब पूरा सूख चुका था, आप देखे होंगे पूरा वो खूंटा तक एकदम चला गया था, पानी दिख ही नहीं रहा था, इस तरह से स्थिति हो गया था। लेकिन अब लबालब भर चुका है ये तालाब। ये देखिए यहाँ तक आ गया है पानी, और बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। और इसमें गाँव वाले आते हैं नहाने के लिए और खेती वगैरह के लिए, अब इसी से यूज़ करते हैं पानी। और बच्चे लोग खूब यहाँ कूद कूद के नहाते हैं। कभी नहाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। खतरों के खिलाड़ी हैं गांव के लोग। लोग अभी आए हैं यहाँ पर नाश्ता करने के लिए होटल में गांव के। और यहाँ मोटू भैया हैं, और ये अभी इतना दिनों से खेती कर रहे थे, नहीं खोल रहे थे होटल को, आज बड़े दिनों बाद खोले हैं। और भाई, यहाँ का जो ढोसका आलू भुजिया होता है अलग ही लेवल का होता है, क्या अलग ही स्वाद आता है खाने में गांव का, एक बार आप जरूर ट्राई करना है। तो चलो मिलाता हूँ मैं आपको। से कहाँ रहे, कैसे नहीं खोलते रहे दुकान? खेती बाड़ी सब बुलाए रही। अब ये देखिए मस्त आलू भजिया बना हुआ है, और इधर निकल रहा है इनका भट्टी है यहाँ का। मैं उस दिन डाला था वीडियो, देखे होंगे आप, ढोसका वगैरह बना है। तो चलिए नाश्ता करते हैं, और साथ में हमारे संजय भैया और सर भी हैं, तो हम लोग अभी नाश्ता करने आए हैं। तो अभी बच्चे लोगों का हो गया है खेल छुट्टी, और आज सैटरडे है, मॉर्निंग स्कूल था, तो अब खेल छुट्टी हो गया है, खेलेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद दे देंगे छुट्टी, फिर चलेंगे घर हम लोग वापस। छुट्टी का टाइम हो गया है और छुट्टी करके जा रहे हैं हम लोग घर सीतापुर। तो छुट्टी करते हैं, फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे सीतापुर में। दोस्तों, मैं स्कूल से आ चुका हूँ, और अभी मौसम ख़राब हो रहा है, पानी गिरने वाला है यार, बड़ा तेज। गणेश भगवान आए हैं तो पानी तो लाएंगे ही। और हाँ, मेरे घर के जस्ट सामने गणेश जी भी बैठे हैं, हर साल बैठाते हैं यहाँ, गणेश पंडाल बनता है, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ और दर्शन कराता हूँ गणेश जी का। देखिए सामने दिख रहा होगा पंडाल, वो देखिए, जस्ट हम मेरे घर के सामने में ही बैठे हैं गणेश जी, तो मैं थोड़ी देर में आपको लेके चलूँगा और दर्शन कराऊँगा। देखिए हमारे मोहल्ले के गणेश जी हैं, और दर्शन कीजिए यहाँ से आप इस तरह से रिद्धि सिद्धि मूषक महाराज सब और गणेश जी विराजमान हैं यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए लंबोदर महाराज, हमारे मोहल्ले के गणेश जी यहाँ पे बैठा है इस तरह से। और सामने इधर देखिए बच्चे लोग हैं जो पूरा संभाल रहे हैं यहाँ को, सब जो आते हैं उनको प्रसाद वगैरह देते हैं। बाकी आरती का टाइम शाम को है, तो शाम को अब आएंगे आरती में, और आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। आने के बाद एकदम थका दिया था, तो सो गया था मैं, और अभी सोकर जस्ट उठा हूँ। तो मैं अभी बना रहा हूँ चाय अपने लिए,
चाय पीते हैं, उसके बाद मूड फ्रेश करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और पानी गिर रहा है बाहर, तो बादल बादल है, मौसम तो गिर रहा है। अभी सब कोई बैठे हुए हैं गणेश पंडाल के पास, सब भाई लोग, समिति के जितने लोग हैं और इधर बहन लोग हैं, और पानी गिर रहा है बाहर साइड पे। और ये देखिए, ये लोग बनाए हैं डांडिया करने के लिए, डंडा, डांडिया। हाँ डांडिया, तो आज रात में करेंगे। तैयारी हो गया? हाँ। कौन सा गाना में करने वाले हो? अबे मैं फोन ली, हाँ बस में तो डाल देता ना। कौन सा गाना में करेगी? ये शर्मा, ये लोग कैमरा में ही नहीं देख रहे हैं, देखो इतना शर्मा रहे। तो कभी पंडाल पे बैठे हुए हैं और भाई लोग से मिलवाता हूँ, समिति के सदस्य हमारे मोहल्ला का जो गणेश पंडाल है उसका। तो यही लोग हैं, विशाल और भाई लोग, और इधर एक जन और आ गया। ये भाई इधर रहे, कहीं कितना चंदा काट लिया बताइए। इधर अभी तो काउंट नहीं हुआ है, काउंट होने के बाद बताएंगे। बिल्कुल, आज चंदा काट रहे हैं सुबह से, मोहल्ला का बजा हुआ था उसको, और आज शाम को डांडिया वगैरह हो गए यहाँ पर। तो ठीक है, फिर आरती में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का आरती आज। जल्दी जल्दी आई हो, एक बार और आरती के समय हो गई से महाराज हो, पंडाल में जल्दी जल्दी आई हो। भोग लगे संत करे से, आरती हो चुका है। आरती खत्म होने के बाद आज यहाँ गरबा कर रहे हैं, डांडिया कर रहे हैं, तो यहाँ पे डांडिया किया जा रहा है। देखिए रोड में किस तरह से सभी लोग खड़े होकर देख रहे हैं मोहल्ला के, और सामने हमारा गणेश पंडाल है, तो चल रहा है डांडिया, मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मैं घर आ चुका हूं पंडाल से, और वहां पे अभी चल रहा है गरबा, डांडिया कर ही रहे हैं, तो थोड़ा देर अभी चलेगा ही, कर रहे हैं बाकी पूजा वूजा हो गया। और ये है हमारे मोहल्ला का गणेश पंडाल जो मैं आपको दिखाया, कैसा है कमेंट करके ये बताएं, और दर्शन करा दिया मैं आपको। बाकी आज का वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा, और उससे पहले यहाँ सीतापुर में बहुत सारे बने हैं गणेश पंडाल, मैं सोचा था घूमने जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा करके, लेकिन नहीं जा पाया। तो देखता हूँ, अगर जाऊंगा वीडियो बनाऊंगा तो जरूर डालूंगा, तो आप वो भी देखिएगा। बाकी आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। आपके साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।